चलो अंदर। देखो हाथ मत लगाओ। कौन है ये? हाँ बताओ, वहाँ क्या हुआ था? तुम्हारी गलती थी ना। ये कौन है? तुम नए हो क्या? हाँ। यहाँ पुष्पा थी ना, ट्रांसफर हो गया। अरे यार। हाँ बताओ, तुझे इतना क्यों फील हो रहा है? अच्छा ए, चलो हटो यहाँ से। हाथ मत लगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा? छोड़ो ये सारी बात यार। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे त्रिपाठी सर, क्या सर से बात कर रहे हैं क्या? चल बे जा यहाँ से। प्रमोशन होते ही बदल गया ये तो। गर्लफ्रेंड मिली होगी इसलिए फोन पे बात कर रहा है। समझ गए? हाँ वरना दूंगा एक। ये दिखने में इतना छोटा है, इसे काम किसने दिया होगा? ये जरूर ऐसा है कि बीवी के कपड़े धोता होगा। पता है ना उसे? भाई भाई नमस्ते भाई। तुम लोग? नमस्ते भाई सर। तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछले महीने भी यहीं पर थे। बिल्कुल नहीं। बार बार आना अच्छा लगता है क्या? तुम्हारा क्या करूं मैं? भाई असल में सोसाइटी बहुत अच्छी आ गया रे। हाँ बोल। ये सोसाइटी बहुत अच्छी है भाई, हर जगह लड़ाई होती है। चाय के लिए लड़ाई, टिफिन के लिए लड़ाई, घर गए तो लड़ाई, मंदिर गए तो लड़ाई, स्कूल में लड़ाई। अभी कल ही की तो बात है, मंदिर गया था तो थोड़ा सोना ले लिया, थोड़ा सा ही सोना लिया था, लेकिन इन लोगों ने कुछ गलत है बोल के मुझे घर लेके चले आए। अरे वो कौन रे वो? हाँ तू बोल ना। अरे वो विजय माल्या, उसे 100 करोड़ की चोरी की। क्या क्या आप लोगों ने? वो कोर्ट के बारे में तो बता। कोर्ट फैसला करेगी। तुम लोग कौन हो? इन्फॉर्मेशन तो सही है तुम्हारी। चोरी करना इतना आसान लगता है क्या? एक डंडा पड़ेगा ना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक चश्मा निकाल रहे? अरे भाई वो नजर का चश्मा। रातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। अरे भाई मारने का तो अच्छे से मारने का ना, क्या हुआ आजकल खाना वाना नहीं करेगा? ए साहब के लिए बिरयानी। एक नंबर के बदमाश हैं ये, अच्छे से तलाशी लो इनकी। हाँ। ए ए रुको 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 रुको, हंसी आ रही है ना। उसको सनी लियोनी समझा हुआ है क्या? और ये क्या है? क्या है ये? पत्थर है सर। निकाल के दिखा। पत्थर है सर। पुलिस स्टेशन में पत्थर क्यों लेकर आया है? वो पिछली बार आया था तो आपने एक हफ्ते के लिए अंदर रखा था ना, कितना बोर हुआ था, पता है क्या आपको? आप भी अंदर रह के देखो, आपको पता चलेगा। फिर एक काम करते हैं, बिग बॉस जैसे हर दिन एक टास्क रखते हैं। लड़कियां भी आएंगी क्या? तुझे लड़कियां चाहिए? एक चमाट मारूंगा सब समझ जाएगा, बड़े साहब आए तो हड्डियां तोड़ देंगे। लेकर जाओ इन्हें। ठीक है। धक्का मत देना। चल बे चल। इनको रिस्पेक्ट देना नहीं आता यार। सर पंखा नहीं चल रहा है, अभी तक रिपेयर नहीं करवाया क्या? ओए उधर टेबल रखा है, खुद ही चढ़ के रिपेयर कर ले। हेलो, हम लोग प्रोफेशनल चोर हैं, ये सब लाइट मोटर फैन रिपेयर करने वाले नहीं हम लोग। खवास करता है, जाके बैठ उधर। जब खेलने के लिए आएगा ना तब बताएंगे तुझे हम लोग। ए तुम्हें हम लोग अंदर बुलाएंगे तब ना। आने दो आने दो, सीआई साहब को आने दो, फिर बताता हूं। ए तुम क्या देख रहे हो? इनको एक और बकरा मिल गया हलाल करने के लिए। उसका मुंह देखना एक बार जरा, बकरा की तरह ही लग रहा है। ए हीरो चल। कैसी आवाज आ रही है? इधर से नहीं उधर से आ रही है। इसके लगने वाले तुम छोड़ो, नहीं तो तुम्हें भी मारेंगे हैं? ना उसे हम खेलते हैं। लगता है अच्छे से धोया है। तेरे तो बहुत सारे फैंस हैं। चल रुक, कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमसे भी बहुत खतरनाक लग रहा है। चल का चक क्या रहा है? अरे ये क्या, वो खुद ही जा रहा है क्या? ये पता नहीं यार, इतने लोग क्यों आ रहे हैं? आखिर यहाँ किया क्या होगा? छोड़ो खेलते हैं। इसे बहुत सारे लोग आके मार रहे हैं, आखिर इसने किया क्या होगा? मुझे क्या पता यार, उससे पूछो ना। ऐसा क्या? जो मेरी इतनी कुटाई की है ना, इसका बदला जरूर लूंगा।
इसकी तो भाई इस रूम में हम लोग भी हैं, क्या हुआ जरा बताओ ना। अरे अपने बारे में बताना यार, क्या कांड करके आया है तू बताना। अरे मेरे बारे में छोड़ो, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ कैसे। सोशल सर्विस। अच्छा। वो क्या है ना कि बाहर औरतें सोना पहन के ज्यादा ही घूमती हैं, तो उनका भार हल्का करने के लिए हम लोग उसे चुरा लेते हैं। ये सोसाइटी इसको चोर कह रही है। छे हमारे बारे में छोड़ो भाई, आखिर ये सब हो क्या रहा है, कोई भी आता है तुम्हें फोड़ देता है। वो जो पहले वाला आया था हाँ? वो मेरे पास के गाँव का सरपंच है। वो जो दूसरा वाला था वो जाड़िया हाँ? वो मेरे गाँव का सरपंच है। और जो वो तीसरा वाला आया था वो नाटा, वो MPTC है। बाद में JPTC, MLC, MLA ऐसे आते रहेंगे क्या? तू चुप कर। अच्छा वो छोड़ो भाई, वो लोग आके बार बार तुमको मार रहे हैं, आखिर बात क्या है? मेरी कहानी छोड़ो यार, रामायण जितनी लंबी है। अरे चाहे महाभारत हो या रामायण हो, बोलो ना भाई। ठीक है तो कहाँ से शुरू करूँ? वो रुद्र नाम का एक आदमी था, उससे शुरू करता हूँ। उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं, वहां तो नहीं करूंगा। जब मैं पहली बार स्वाति को मिला था वहां से, यहां से भी नहीं करूंगा। इधर अपने पास ना बहुत टाइम है, आराम से बोलो, हम लोग आराम से सुनेंगे। बहुत टाइम है, एकदम शुरुआत से बोलो। अरे भागो यहां से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम इंसान हो या जानवर? इतना लेट कोई उठता है क्या? नागा तुम तो ग्रेट हो यार। क्या बात है, बड़ा हाथ मिलाया जा रहा है। गांव को बेचने की प्लानिंग है क्या? इतना सीरियस डिस्कशन? अरे भाई नागा ने बहुत बड़ा मैटर बताया मुझे। यार देख वो सब तो ठीक है, पर मेरे लायक कोई बात है तो मुझे भी बताना। वही तो बोल रहा हूँ ना, हम हर रोज जाते हैं लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। क्या है वो? सोना है रे, सोने का खजाना। अरे यार कब से शुरू है तुम दोनों का ये? के ऊपर हाथ रखकर बताती हूँ कि इस लड़के के ऊपर उतरा है मंगलवार की रात को सोना और काली मुर्गी और उसके साथ में दारू, ये सब करना होगा फिर ये उतरा छोड़ेगी रे। उतरा? ये कौन है और कहाँ से आई? तो क्या है हमारे गांव में एक बात बहुत फेमस है कि वहाँ उतरा नाम का भूत। अब ये सच है या झूठ किसी को नहीं पता। उसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मुझे आओ छोड़ो यार, मैं नहीं आऊंगा। तो छोड़ना यार। अरे यार तू सच में कितना अजीब आदमी है। टूटो बड़ा सीना चल, पागल है क्या? जिगरा होना चाहिए तेरे जैसा नहीं, जरा चिल्ला डर गया तू। बड़ा हीरो बनता है, डर गया ना? किसी बाजीराव से कम नहीं हूँ मैं। तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है ना? तू एक मिनट रुकना। अबे जा। इसमें क्या है, उत्तरा के बारे में बोलने के लिए इतना ड्रामा किया क्या? इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। तुमने कहा शुरू से सुनाओ, अब सुनाते समय सुसु लग गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? सुसु से याद आया, बचपन में हम लोग खड़े होके ना खूब दूर तक उड़ा के पेशाब करते थे। आ गए तुम लोग। इज्जत तुम लोग मुझे देते हो और कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दोगे? हाँ नमस्ते मेरे को और पैसा किसी और को। फिर क्या बोलूं मैं? हाँ वो तालाब के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या, वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है भाई। वैसे भी हम आपको छोड़कर आखिर क्या कर सकते हैं भाई? चुप रहो। देखो भगवान की सेवा पुजारी के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं? फिर ऐसी बात तुम लोग दोबारा नहीं करना। कुछ तो लाभ होना चाहिए मुझे, इसके बाद मैं फिर नहीं बोलूंगा। हेलो। हाँ भाई। कहाँ हो बे? अरे भाई उत्तर साइड में हूँ, रंग नायका मंदिर के नीचे सोना है वही देखने जा रहे हैं हम। क्या यार तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, जाओ मरो। अरे मार उसको, अरे मार, सिर तोड़ उसका, मार। अरे यार ए, क्या है ये सब?
दिखने में इतना डरावना लग रहा है और तू आराम से देख रहा है, वो इंसानों को मार रहे हैं और तू देखकर एंजॉय कर रहा है। पापा सच में मारने को थोड़ी कह रहा हूँ, पिक्चर चल रही है। तुझे ये देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा क्या? क्या चाहते हो पापा, टीवी बंद कर दूं? इसका मतलब तू कुछ काम नहीं करेगा कभी। अरे पापा रात में किसे नौकरी मिलती है, कल बात करेंगे ना। चुप कर बे, भिखारी जैसा सारा दिन गांव में घूमता रहता है। छोड़, खाना लगाओ मेरा। पापा एक बात बताइए, आप हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं, आप मेरी तरह प्राइवेट कॉलेज में पढ़े होते तो पता चलता आपको, टीचर बच्चों का एक एक मार्क्स काट लेते हैं, आपको क्या पता। अब इतना परेशान आदमी शाम को आके टीवी भी ना देखे तो फिर क्या करे पापा। मुझे नौकरी मिल जाएगी, सैलरी लाके दे दूंगा, अभी परेशान करना बंद कीजिए। तू चुप कर, तू किसी की नहीं सुनेगा। सारा दिन मौज मस्ती के सिवाय तुझे कोई काम नहीं है, और तेरे साथ तेरे दो निकम्मे दोस्त, सिनेमा और लड़कियां छेड़ने के सिवाय कोई काम नहीं तुम्हें। पूरा गांव थूकता है तुम पर। पापा आपने घर में गाली दी, जरा फिर से बोली। एक कान के नीचे दूंगा, बकवास करता है, जा यहां से। पापा 100 रुपए दो ना, जरूरत है। Only 100, I'll give it back. पूरी दुनिया में तुझसे ज्यादा निकम्मी औलाद कोई नहीं है। हे, काम करना कब सीखेगा तू? खुद कमा, खुद खर्च कर, बड़ा आया, जा यहाँ से। लाइफ में तो टॉर्चर चल ही रहा था, देखा किसी की बाइक भी पंचर हो गई। हाँ क्या हुआ? गाड़ी पंचर हो गई है बेटा, इसे क्या तुम थोड़ी दूर छोड़ दोगे क्या? ठीक है, जा बेटा जा, जा। बाबा आदम के जमाने की गाड़ी छोड़ के तुम्हारे पापा नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? होटल से तो अच्छा पैसा आता है, पीने में से बढ़ा देता है क्या? ए पकौड़े, अपना लेक्चर बंद कर, समझा, स्पीड में चला चल। क्या बोला तूने, पकौड़ा? सच कहूँ तो तेरे होटल में पकौड़े को मैंने ही फेमस किया है। अच्छा ऐसा क्या? अरे रोक क्यों दिया? हेलो क्या हो गया? तुम और तुम्हारी खटारा गाड़ी। तो पकौड़ा बोल के दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से गाड़ी बंद कर दी। इसीलिए ओवर एक्शन नहीं करना चाहिए, पेट्रोल खत्म हुआ होगा। हाँ हो जाता है कभी कभी, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठा था। हाँ बोल रहे। हाँ किधर हो? घर पे। वो बोल ना, क्या बात करनी है? अरे यार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ पे आ जल्दी। कहाँ पे? अरे यार रोड के बीच में ही खड़ा हूँ, तो हाईवे की तरफ आएगा तो मैं दिख जाऊंगा। ठीक है सीधे आना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बस वहां से राइट लेके आ जा। ओए सुन, इसके ऊपर चढ़ाओ ना मुझे। और शादी बस यही था क्या? ये भी ना यार, लड़की खूबसूरत होगी तो तुम कुछ भी करोगे क्या? है हेलो, मेरा वाला प्यार सच्चा है, ये टाइम पास नहीं करता। मैं तेरे जैसे ही लोग ना एसिड फेंकते हैं। तुम जैसे चोरों को क्या पता प्यार क्या होता है। मैं बताता हूँ, Oh, oh, oh.
राजू हाथ पे चोट लग गई क्या जो हाथ को ऐसे किया तूने? अबे अंधा हो गया क्या? नई घड़ी है ये, अभी ऑनलाइन से मंगवाई है। घड़ी ऑनलाइन खरीदा इसलिए हाथ को ऐसे किया है, अगर चप्पल खरीदेगा तो पैर कहाँ करेगा? सर पे रखूंगा बे, फालतू का मजाक करता है। अशोक आ रहा है यार, अगर इसे देख लिया ना तो लेके जाएगा। उससे डर के तुम छिपा रहे हो और वो तुमसे क्या छिपाता है पता चलेगा तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या छुपाया रे? मैं फ्री में कुछ नहीं बताता हूँ। अरे फ्री में क्यों, क्वार्टर के लिए पैसे दूंगा ना, चल बता। उस होटल वाले की बेटी के साथ इसने क्या किया तुझे पता है? अरे क्या किया बे, बताना। इधर ये दोनों उधर रोड के पीछे मिलकर, पता है तूने इतना कुछ किया? हाँ सच में। ठीक है तू जा, मैं देख लूंगा इसको। ए, ये अच्छा आदमी नहीं है भाई। हाँ। क्या बोल रहा था मेरे बारे में? चल चल बहुत हो गई तेरी एक्टिंग, अब बंद कर अपनी एक्टिंग, समझा? मजाक मत करना। अच्छा तू मुझसे और भी कुछ छुपाना चाहता है क्या? अरे मैंने क्या छुपाया? तूने कुछ नहीं छुपाया। मैंने कुछ नहीं छुपाया भाई, क्या बोल रहे हो? सबको परेशान करके मुझसे पूछ रहा क्या है? सारे लोगों को पता है बट मुझे अभी पता चला। अरे क्या हो गया भाई, सुबह सुबह चढ़ा ली क्या, क्या बोल रहे हो? वाह वाह वाह, देखो कैसी बातें कर रहा, जैसे कुछ किया ही नहीं है। तेरे जैसे बहुत लोगों को देखा मैंने। पहले मुझे ये बता कि आखिर बात क्या है, उसके बाद मुझ पे इल्जाम लगाना। अच्छा तू अपनी कहानी मेरे मुझे सुनना चाहता है क्या? जो बोलना है वो तो बोलता नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, गधा कहीं का। जा 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 जा, उस होटल में जा रहा है ना, सब जानता हूं मैं, सही बोल रहा हूं ना मैं? हां चल जा जा। अरे इसको देखो, इसने क्या किया है। स्वाति ये लो अपनी नोटबुक। शैलू मुझे पता है वो दोनों मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं ना, वो क्या बात कर रहे हैं? मैं इतनी क्लोज फ्रेंड हूँ फिर भी मुझे नहीं बोला ना, क्या एक्टिंग कर रही हो। छी ए क्या बात कर रही हो तुम? मैं तेरे बारे में ही बोल रही हूँ, पूरे गाँव में तेरे बारे में ही बातें हो रही है। गांव में सब क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? अशोक और तेरे बीच में कुछ चल रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग कि तुम लोग रोड पर कुछ कर रहे थे। छी छी ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं ही नहीं पूरा गांव बोल रहा है। ये लो अपनी नोटबुक, मैं तो जा रही हूँ। गांव में ऐसा कौन कर सकता है, जरूर वो उसी का काम होगा। अरे शंकर के पास आना तो, शंकर बड़ा मजेदार है, शंकर बड़ा मजेदार है। अरे मलिंगा पकोड़े लेके आना। हाँ भाई। अरे यार पकोड़े मत मंगाया कर। क्यों क्या दिक्कत है? तू घास मंगवा मैं खा लूंगा पर पकोड़ा नहीं। ए ये क्या बात कर रहा है तू? इस होटल में पकोड़ा हम लोगों ने ही फेमस किया है, सब लोग पकोड़ा खाते, पकोड़ी कौन खाता है? इसको क्या हुआ यार, पकोड़ा क्यों नहीं खा रहा? ए तू ये क्या बकबक कर रहा है, बैठ जा। ऐसा नहीं है रे, तुमने कुछ कहा और इसने भी कुछ कहा, बोलने से कुछ नहीं होता, पकोड़ा ही आएगा और हम पकोड़ा खाएंगे। ए मलिंगा हाँ पकोड़ा लेकर आ। अच्छा तो ये मुझे फिर पकोड़ा बोल दे ना, कैसा लिखा है हा? ऐसा भी कोई लिखता है क्या? अरे पागल है, अरे यार बिल्कुल फेक है, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुन। क्या रे मजाक कर रहे हो, मुंह तोड़ दूंगी तेरा समझा? दीदी मैंने क्या किया? वो प्लेट नीचे क्यों गिराई? आपके मारने के बाद ही गिर गई। चुप कर और जल्दी से प्लेट उठाओ। स्वाति एक मिनट, स्वाति एक मिनट रुको ना। देखो तुम मुझसे गुस्सा हो ये पता है, पर क्यों हो ये पता नहीं। तुम सोच रही होगी ये भी क्या मुझसे चिंगम जैसा चिपक गया, पर मुझे चलता है, मेरी बात का जवाब दे दो मैं चला जाऊंगा ठीक है। मैं क्या करूं, जब उस दिन तुम्हें लाल साड़ी में देखा तब से मैं बावला हो गया हूं, रात की नींद दिन का चैन दोनों चला गया, सोता हूं तो भी तुम दिखती हो, उठता हूं तो भी दिखती हो, अरे यार खाना खाऊं तो भी दिखती हो, ना खाऊं तो भी दिखती हो। वो पेड़ देखो मुझे उसमें भी तुम दिख रही हो, उसकी पत्तियों में भी दिख रही हो। देखो अब मैं कुछ बोलूंगा, हंसना मत, थोड़ा कंट्रोल करना, ये बात बोलनी जरूरी है। सुबह पॉटी करते वक्त भी दिखती हो, इसलिए अब मैं समझ गया हूं और तुमसे कहना चाहता हूं आई लव यू। यही बोलने के लिए कब से परेशान हो रहा था, देखा फटाफट बोल दिया ना, लेकिन जानता हूं तुम नहीं बोलोगी, मैंने फिर भी बोल दिया क्योंकि मैं बोलना चाहता था। अब डर लग रहा है कहीं तुम ना ना कह दो। मैं ये भी सोच रहा हूं मैं किसी दिन तैयार होके आऊंगा तब हाँ बोल देना।
तुम्हारे आई लव यू का वेट करूंगा। तुम हाँ बोलोगी जरूर, ये जानता। टाइम ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। एक घंटे से साइलेंट हो दोनों, कुछ तो बोलो। देख भाई, इस दुनिया में अगर दोस्त ना हो तो कोई भी प्यार करने वाला जीतेगा नहीं और टिकेगा भी नहीं। चलो सच बोलो। देख भाई, मैं स्वाति से लव करता हूँ, यही बात मैं तुम दोनों को सोच रहा था, पर बताना कुछ नहीं चाहता था ना। अरे वो बात नहीं है यार। छोड़ यार, तेरा प्यार ऐसे ही अमर रहे, वो दो दिन चले या दो साल चले उसमें क्या, तुमको बर्बाद होना है तो हमको क्या। अरे यार, ये प्यार की स्टोरी मैंने कितनी देखी है, बारिश की तरह आती है और फिर वापस चली जाती है। अरे मैं स्वाति से सच में प्यार करता हूँ यार, आई रियली लव हर, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल यार, आई एम क्रेजी। भाई रुको, तुम सच में महान हो, वो लड़की तुम्हें पसंद है ना, बस खत्म, हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। ए, चलो रे। ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो, कौन? शैलू, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक? हाँ हाँ। मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें? इसकी तो। मुझे कॉल क्यों किया? वो क्या है ना शैलू, एक हेल्प चाहिए। क्या है? वो तेरी फ्रेंड है ना स्वाति। हाँ? उसका नंबर चाहिए। कोई हेल्प नहीं करूंगी, रखो फोन। हे शैलू, 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 एक मिनट, मेरी बात क्या है बोलो। तू मेरे को नंबर देगी, मैं तुझे एक बढ़िया सी ड्रेस खरीद के दूंगा, पक्का। मेरा फेवरेट रेड वाला ड्रेस खरीद के दोगी क्या? हाँ, रेड ड्रेस खरीद के दूंगा ना। वो क्या है ना, परसों मेरा जिगरी दोस्त अब्रॉड से आ रहा है, उसका यहाँ बहुत बड़ा शोरूम है, वहीं से लेके दूंगा। ठीक है, फिर मुझे मैसेज करना। ओके। मोटी, तुझे तो जरूर ड्रेस दिलाऊंगा। रिश्वत दो तो कहीं भी काम बनता है। अरे वो सब मेकअप है रे। हाय भाई। हाय बे। हेलो भाई। वैसे तुम लोगों को शर्म नहीं है ना बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई काम धंधा छोड़ के बस यहाँ बैठ के पकोड़े खाने, थू है तुम्हारी जिंदगी। भाई बस करो ना। हाँ बैठ बैठ, कुछ नहीं बोलूंगा भाई। वो कुछ खाना है क्या? हाँ। हे मोहन। हाँ हाँ हाँ। चार प्लेट लेके आ, पकौड़े के अलावा कुछ भी लेके आ। और सुन मेरी बात, कान खोल के, एक दिन मैं तेरा पूरा का पूरा होटल खरीद लूंगा। ऐसा क्या? ए, मेरे लिए दो प्लेट पकौड़े। अरे यार इंप्रेशन झाड़ रहा हूँ, करने देना। अरे क्या बात है, आज तो टोपी लगा के लाल लाल टमाटर लग रहे हो। क्यों, सही नहीं लग रहा है क्या? अबे टैग तो निकाल लेते। शिट, अबे तू पागल है क्या? ऑनलाइन में मैंने हाफ रेट में खरीदा है यार, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है, वापस करूंगा। तू वापस लेगा क्या? अरे अरे ठीक है ना, चल मैं तेरे को नई शर्ट दिला दूंगा यार, तू भी क्या समझता है मुझे। ए मोहन, इसके लिए भी एक प्लेट लेके आ। ये लीजिए। अरे यार ये भी ना। अरे यार मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। कितना हुआ रे? 200 में लिया था। अरे तू पागल है क्या, ये तो 50 रुपए में मिलता है। कहाँ से लिया था? देखो स्वाति, ये चलना कुछ भी फेंक रहा है तू, चल चल, आज तो हमारी ड्रेस है। तू कैसी बात कर रहा है, चलना मैं तुझे दिलवाता हूँ। हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन में ना एक ऐप आया है, उससे जब तू लेगा ना तो तुझे कम पैसे में जो मार्केट में मिलता है ना, आज ही मैं इस ड्रेस को जला दूंगी। तुझे मिलेगा ये, समझा क्या तू? अरे यार तेरे ऐसा क्या कपड़ा देख रहा ना तू? थैंक यू मुझे रिप्लाई देने के लिए। अगली बार जब भी कपड़े लेने होंगे ना मुझे बोलना, इससे भी अच्छा कपड़ा ना। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? दिलवाऊंगा मैं, कसम खा के बोल रहा हूँ। हे मोहन, कितना बिल हुआ यार? हे ब्रो, चिल ब्रो, मैं हूं ना। हे तू बैठना, बिल मैं देता हूँ। अरे तू ज्यादा स्याणा है क्या? पकोड़े हम लोगों ने खाए तो बिल हम लोग ही देंगे ना। अरे रहने दे, देता हूँ ना, देता हूँ ना, हम खाते मैं दूंगा। हाँ? पैसे क्यों फेंक दिए? उठाओ पैसे। सॉरी।
करने जा रही हूँ, रुको, छोड़ो मुझे। हो गया तुम्हारा, अब मेरी बात सुन, शांति से। ये लोकेशन डेंजरस हो सकती है, पर मैं नहीं हूं। मुझे तुम्हारे 10 मिनट चाहिए बस। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा और खुद चला जाऊं, समझ गए ना? रुको, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे पगली, मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, ये थप्पड़ क्या चीज है? ए, आज जिस गाल पे थप्पड़ मारा है ना, कल वहीं पे किस करोगी, याद रखना। ऐसे डरा क्यों रही हो? मेरी ईगो के लिए बहुत कम लगा, बहुत ही कम लगा। ठीक है, ट्राई करो, देखेंगे। पैसा कल ही आया है ना, उसको 10 घंटे भी नहीं रहने दोगे? और उसमें मुझे मिला क्या रे? वो क्या सर, 10 लाख आया है ना। क्या 9,50,000 ही है? हाँ? क्या रे, हाँ? जाके 50 देखो। ठीक है सर, जाओ जाओ। अरे जीजा जी, आपके शादी में एक कुत्ता देने वाला था लेकिन आपने ना किया, अभी समझ में आया मुझे। क्यों? क्योंकि उसको भी खाना देना है ना। क्या है रे? क्या ये एक्सपोजिंग क्या है? बटन टूट गया है, इसे एक्सपोजिंग कहते हैं क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो? ए तुम उस तरफ देखो। अगर बटन टूट गया है तो नया लगाना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए खुलेआम, समझ रहे हो ना? ए, हाँ? पिन दो। ए, ये क्या कर रही हो? मुंह बंद करो। ओके। उधर देखो। सॉरी। ये मेरा है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। मी का मतलब यू, मेरा ही है। समझ में आया क्या? मेंटेन करो। जाओ। तेरा तो पूरा लुक ही चेंज हो गया, क्या बात अरे है दास। हे रुकना, अच्छा आप सिनेमा अरे दास में सुनना, इसकी तो बात भी नहीं करने देता। हाँ वो दिशपल्ली गांव है ना, हाँ वो सोना लेने गए हैं। क्या बात कर रहे, उन्हें पता चल गया और तुझे नहीं पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हुआ रे? हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। मैं तो तुमको और अशोक को बोल रहा था लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते ना। मत सुनो, हाथ में मिला था लेकिन खाने नहीं दिया तुम लोगों ने। क्या, क्या हुआ रे? लाइफ सेट हो गई होती। तुम इधर आओ, बैठो। एक हफ्ते से हमें बड़ी मुश्किल से पता चला है कि मंदिर के पीछे सोना है, पर उनको कैसे पता चल गया और वो भी रातों रात कैसे पता लगाया? ए, मेरे जैसा क्रिएटिव डायरेक्टर तुम्हारे साथ है फिर भी ये सब? कहा था ना तुम्हारी लाइफ बना दूंगा और तुम लोग कभी सांप पकड़ना, कभी चूहा पकड़ना, कभी भीख मांगना, तुम नहीं सुधरने वाले। वो नहीं रहे तो बैठ। ए मलिंगा, तीन चाय ले गया? अभी लाया। अरे सुनना। अरे अब किसका फोन है? तेरी गाड़ी की चाबी चाहिए। कहाँ जाना है? यही पास में जाना है, उसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा लेना ना। हाँ जा। पापा। हाँ बेटा। मैं कॉलेज जाऊँ क्या? तुम्हारी माँ की तबीयत आज ठीक नहीं है, आज कॉलेज मत जा बेटा, ग्राहक आ रहे हैं ना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। ए, ए,
क्या रोमांटिक प्लान बनाया था। लाइफ में पहली बार गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखूंगा, वो भी कॉर्नर सीट पर बैठकर। रोमांस होगा, हगिंग होगी, किसिंग होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, पर सब गुड़ गोबर हो गया। पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। फोन करता हूँ। नहीं, मेरा प्लान उसने खराब किया है, फोन भी वही करेगी। जब मैं इसे दो दिन तक फोन नहीं करूंगा ना, तो रोते धोते मेरे पास आएगी। फोन तो आ गया। नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उठा ही लेता हूँ, क्या हुआ, पर लंबी बात नहीं करूंगा। तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सुबह मिलो मुझे। मुझसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लो, आई एम बिजी राइट नाउ। पहले सुनो मेरी बात, तुम्हें अभी नहीं सुबह बुला रही हूँ, समझे? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ एंड डेथ मैटर। तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कल सुबह 7 बजे हमारे प्लेस पे मिलने आओ। यार तुम्हारे साथ पिक्चर देखने के लिए मैं ब्लैक में इतनी मेहनत से टिकट लेके आया था, पर तुमने मेरे प्लान की मेरे सामने पुंगी बजा दी। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हाँ? पता चला ना मैंने कितनी मेहनत की थी। हेलो हेलो, अजीब लड़की है यार, बिना बाय बोले फोन काट दिया। लड़कों की तो सच में कोई इज्जत ही नहीं होती, इसकी इतनी हिम्मत मेरा फोन काटती है। इसकी तो अभी फोन करके इसको सबक सिखाता हूँ। क्या कर रहा है बे? कुछ नहीं पापा, पढ़ाई कर रहा था। हाँ पता है, कितनी पढ़ाई कर रहा था, फोन पे लगा रहता है। स्वाति, ओके, आई एम सॉरी, क्या बात है बोलो। मेरे मरने के बाद पूछना। पता है यही चोर है। बोलो। बोल। बोलो ना। हाँ। बोल। बोलो ना। बोल। अरे बोलो ना भाई। बोल बे, यही है क्या? हे डिस्टर्ब मत करो यार। अरे बोल ना यार, उस लड़की ने क्या कहा? मरने के बारे में बात कर रही थी। क्या सच में कोई सीरियस मैटर है क्या? जल्दी बताना उसने क्या बोला। उसको कैंसर है क्या? मजाक बहुत हुआ तुम्हारा, बताओगे भी? यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हो? कुछ नहीं भाई, वो लड़की कुछ बताने वाली थी। कौन? इसकी कौन लड़की? ये लवर है। लवर है? हाँ? हाँ? यहाँ लव स्टोरी शेयर करने आए हो? तुम्हारी लवर और लव स्टोरी यही निकालता हूँ। तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? तेरी लवर तुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी तो कैसा लगेगा? छोड़ना यार। अरे क्या छोड़ो रे, ये क्या जानेगा हमारे लवर के बारे में, छोड़ यार। ऐसी बात नहीं है रे, इसकी नई नई शादी हुई है, उसे बाहर लेकर गया था लेकिन वो भाग गई। गाड़ी गई, सोना गया, पैसा गया, अरे वो सब क्लियर करके आना चाहिए था ना। फालतू में तंग करते हो, तूने शादी की क्या? कोशिश में लगा हूँ। करना पड़ा, जैसा चेला वैसा गुरु। यू रिकमेंडेड जॉब है? आज मैं तेरी पीठ तोड़ दूंगा तब समझ आएगा ये किसका रिकमेंडेड जॉब है। मेरी पीठ तोड़ेगा क्या? मेरी पीठ? तू मेरी पीठ तोड़ेगा? यूनिफॉर्म में पुलिस को मारना गलत बात होती है। ओ तिरुपति, फोन में रिकॉर्डिंग कर, यूट्यूब में डालेंगे, देखो व्हाट्सएप में सबको भेज दूंगा। लो मारो, तू शुरू कर भाई। तुमने क्या सोचा मैं डर गया? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। चलो शुरू करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन जॉब है, लव स्टोरी चाहिए तुम्हें? बताओ तुम्हें, चाहे कुछ भी कर ले, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। तू अपनी कहानी सुना, सुना ना मेरे भाई। तुम्हें किसने कहा मेरा रिकमेंडेशन जॉब है, बताओ तुम्हें? तुमने कहा था जिंदगी और मौत की बात है, आखिर बात क्या है, बोलो ना स्वाति, क्या हुआ है प्लीज। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? हाँ। हमारा प्यार सच्चा है क्या? हाँ। मुझे पता है। पता चल गया मुझे तेरा टाइम पास प्यार। स्वाति स्वाति प्लीज प्लीज प्लीज, मैटर क्या है ये तो बताओ, ऐसे ही जा रही हो? हमारा मैटर कल घर में पता चल गया, रात कितना झगड़ा हुआ पता है? पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर क्या करोगी? पढ़ाई करूंगी। हाँ पढ़ाई तो कर रही हो, पढ़ाई करने के बाद क्या करोगी बताओ, बात मत करना। क्या हुआ, क्या हुआ जी? मुझसे क्या पूछ रही हो, पूछना है तो अपनी बेटी से पूछो ना। पापा आपको जो भी बोलना है तो सीधा बोलो। ये काफी है या और भी सीधा बोलना है? तेरी
बेटी ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है। इतने दिनों से मेहनत मजदूरी करके जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने पे तुली है। अगर काम धंधा बंद कर दिया ना तो सब लोगों की हेकड़ी निकल जाएगी दो दिनों में। बात समझ में आई क्या? मुझे कितनी डांट पड़ी है तुम्हें पता है? अब मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ। टाइम तुम बोलोगे या मैं बोलूँ? हम कल घर से भाग रहे हैं, ठीक है? ठीक है, हम दोनों कल भाग रहे हैं। पैसे लेके आओगी ना? नहीं। तो फिर सोना ले आना। सोना वोना नहीं लाऊंगी, सिर्फ पहने हुए कपड़ों में आऊंगी और कुछ नहीं लेकर आऊंगी। 6 महीने बाद हमको फिर इधर आना है। मेरे घर के सामने जो जगह है ना, उसे खरीदना है। उसमें बिल्डिंग बनानी है। मेरे पापा के सामने ही कार में जाना है। मुझे डांटेंगे क्या? बोलूंगी मैं। क्या क्या कहा 6 महीने? घर के सामने घर और घर के साथ साथ कार। तेरे बाप के घर से बड़ा घर बनाना है और उसी कार से उनके घर के सामने से निकलना है। यार तेरे सपने तो बड़े फास्ट हैं, पर होगा कैसे? ये सब मुझे पता नहीं, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है। कल हम भाग रहे हैं, ये फिक्स है, ठीक है? बेबी, अगर हम उधर गए तो शादी ही होगी और फर्स्ट नाइट इधर आने के बाद ही होगी। यार सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, नौकरी कोई देता नहीं है, मेरे बाप ने कोई जमीन भी नहीं ली जिसे मैं बेच सकूं, और उसे तो 6 महीने में बड़ा घर और कार दोनों चाहिए। उसके सपने सुनकर तो यार मेरी घंटी बज गई। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तुमको उस लड़की के पीछे घूमने के पहले सोचना था। सिनेमा और पार्क गए थे ना, तब सोचना था। बड़ा आया, अब कुछ नहीं बचा, भागना ही पड़ेगा। इसको समझाना यार। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। इतना दूर आने के बाद ना मत बोलो, उसकी शादी किसी और से हो गई तो तुम सच में पागल हो जाओगे। उस लड़की को रुलाना गलत है, और पैसों के लिए तुम टेंशन मत लो। मैं इधर उधर से कहीं 5-7 हज़ार का जुगाड़ करता हूँ, फिर तुम दोनों मिलकर कहीं चले जाना। अरे तू चुप कर यार, वो 5-7 हज़ार में इसका क्या होगा? हा? मैं दादी की चूड़ियां बेच के 10 हज़ार लेकर आता हूँ। क्या बात कही है, असली फ्रेंड तू ही है। फ्रेंड नहीं है क्या? तू फ्रेंड नहीं है क्या? शादी का खर्चा तेरे को उठाना पड़ेगा। ओके ब्रो। ए तू कार बुक कर रहे? ठीक है। अशोक का ही फोन होगा, बोलो उसको, बोलो कि कल सुबह 5 बजे नहीं, आधा घंटा पहले ही भागते हैं। बोलो उसको, डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा और मारूंगा नहीं, क्योंकि ना मारने से और डांटने से इंसान बदल जाएगा ऐसा सोचना गलत है। तुम्हें देखने के बाद पता चल गया है मुझे। क्या हुआ? जितना पैसा लेके जाओगे ना वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अगर टाइम पे काम नहीं मिला तो फाइनली वो कूली का काम करेगा, फिर उसके बाद तुम बताओ क्या करोगी? जब तुम्हारे बेटा बेटी हो जाएंगे फिर क्या करोगी? पैसा नहीं होगा, भूख लगेगी, फिर असली कहानी शुरू होगी, समझी? एक एक पैसे के लिए दर पे भटकना पड़ेगा, उसके बाद वो परेशान होके एक दिन तुमको छोड़ देगा, फिर देखते देखते रोड पे आ जाओगी तुम। फिर कहाँ जाओगी? मेरे पास ही आओगी ना। दुनिया भर में ऐसी कहानियां होती ही रहती हैं। अरे तुम उस चंद्रकला को तो जानती हो ना, तुम्हारी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ 1 महीना पहले भाग गई थी, फिर उसके पापा ने उसे अपने घर में रखा। लेकिन एक बात जान लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, समझ गई? अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी करवा दूंगा, फिर तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। अगर अपने मन का करना है तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम खुद ही अपना सोच लो। हाँ स्वाति, तुम रेडी हो ना? जैसा प्लान किया था, मैं पेड़ के पास हूँ, तुम यहीं आ जाना, ठीक है? आज या कल सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ए अब कुछ सुनने को बचा नहीं, तुम बस आ जाओ, आ जाओ आमने सामने बात करते, आ जाओ। नहीं, पापा की बात की वजह से प्लान चेंज हुआ। प्लान चेंज हो गया? मतलब हम घर छोड़ के नहीं भाग रहे? हम भाग नहीं रहे हैं, इधर ही रुक रहे हैं। हा? हम यही रुक रहे हैं? हाँ। घर पे कोई बड़ी बात हो गई है क्या? वो मेरी शादी करवा देंगे। अच्छा तुम टॉन्ट मार रही थी ना, समझ गया, शादी तो तुझसे मैं ही करूंगा। चल छोड़ ये सब, कल सुबह भागते हैं। पता नहीं, लगता है मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। शादी करवा देंगे? तेरा बाप पंडित है क्या? तुमने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी हो ही जाएगी। हा? अगर मेरी शादी हो गई उससे पहले तुम्हें कुछ करके दिखाना ही होगा, बेटर होगा। तुमने काम करना शुरू किया तो वो मेरी शादी तुमसे ही कराएंगे। देखो आज मैं तुमसे एक बात कह देना चाहती हूँ, और सच कहूँ तो इस गांव में तुमसे बड़ा हीरो कोई नहीं।
मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है, समझे तुम? शादी? तुमने मुझे हीरो बोला, मेरा तो दिल भरा है। एक बार और। ए, तू टेंशन मत ले यार। हाँ। हम सब लोग संभाल लेंगे, तू सिर्फ तैयार है, तू बेफिक्र रहे। ए, तूने कार रेडी की ना? हाँ रेडी है, कल सुबह 9 बजे गाड़ी आएगी और 4 बजे मैं तुमको उठाऊंगा, ठीक है? सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। ए, ए, मेरी बात सुन, कल सुबह तुझे उठकर जाना है, मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहता, समझ गया कि नहीं? अभी प्लान किया ना। हाँ। हम लोग सब कुछ देख लेंगे ना। बात सुन यार, भागना कैंसिल हो गया, समझे? नो रनिंग। कैंसिल हो गया? तुमने तो हम सबको टेंशन में डाल दिया यार। वो स्वाति ने फोन किया था इसे। चेंज क्यों हुआ रे? हाँ सब कैंसिल हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो चलते हैं। छी यार। फोर जीरो फोर को ब्लड चढ़ा दिया। एक्सक्यूज मी। हाँ जिनका सुबह एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ है? लक्ष्मण ना। हाँ 201। मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोच के बहुत दुख होता है, पता नहीं क्या होगा उसका। अरे यार, हर इंसान की लाइफ में ऐसी टेंशन एक बार जरूर आती है, बस तुम्हें आ जाई है, इतनी सी बात। यार पापा की तो मैं टेंशन लेता ही नहीं, पर फर्स्ट टाइम मेरी माँ की आंख में आंसू थे यार। यार एमो, यार मुझे फिल्मों में काम करना है, अपनी पिक्चर लाइन में मेरे लिए कोई काम देखना यार, मुझे पैसे कमाना है। ए, वो तेरे साथ आना चाहता है, जरा चेहरा तो इधर दिखा। ए, तुझे क्या हुआ है? ए, अब इसको क्या हो गया? ये रो क्यों रहा है? मैंने तुमसे जो भी कहा वो झूठ था। तुमने झूठ कहा था? शूटिंग इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब शूटिंग, सिनेमा और हीरो हीरोइन ये सब झूठ था? हाँ? क्या बोला था तूने? झूठा कहीं का? हट, उसको मारेगा क्या? पागल कहीं का, चल बैठ यहाँ पे, चल बैठ बैठ। इसके साथ इंडस्ट्री जाके क्या फायदा? अगर तू सिर्फ एक दिन भी मेहनत करेगा ना, पूरे गांव का हीरो बन जाएगा, फिर तेरा ही राज। हाँ शोक, तीन जगह देखी है, एक भी मिल गई ना तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तेरे पापा के पास भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम है, उन्हें इस तरह छोड़कर जाना बहुत गलत है यार। उनके लिए सोचा तो हम जरूर सक्सेस होंगे, मेरी फिल्म का हीरो तो ही होगा, मैं डायरेक्शन करूंगा, प्लीज। हाँ कह दे, हाँ कह दे, प्लीज यार। आखिर ये भी हमारी बात सुन रहा है? इसका मुंह देख के तो हमारी बात मान ले रे, प्लीज। नहीं पिया तो भी प्रॉब्लम, पिया तो भी पेशाब का प्रॉब्लम, ये पेशाब भी ना। क्या बोल रहे हो आप? सच है क्या? कितना होगा? कितना होगा पता नहीं, लेकिन वहाँ सोना जरूर है। किसी को पता नहीं है क्या? नहीं, उसके बारे में किसी को पता नहीं। उस खजाने के पास ना एक छोटा सा पेड़ है और उस पेड़ में पत्ते नहीं है। अरे उधर कोई नहीं जाने वाला, वैसे भी वो ना भूत बंगले के पास में है, वहाँ लोग जाने से डरते हैं। तुम ही बताओ कौन जाएगा वहाँ? क्या वो किधर, एक बार जरा फिर से बताना। अरे वो उत्तरा के घर के अंदर है। हाँ? ओहो, नाम सुनते ही मैं पूरी तरह से डर गया यार, उधर भला कोई जाता है क्या? वो बहुत ही खतरनाक जगह है यार। मुझे भी डर लग रहा है यार, लेकिन मेरे दादा ने बोला है तो 100% सही ही होगा। ए अशोक, तू कुछ बोलना यार। लोग क्या कहते हैं वो मुझे मत बता, वो भूत वहाँ पर सच में है क्या? कोई प्रूफ है? अरे उधर मेरे दादा ही जाते हैं और कोई नहीं जाता है रे, वो बोले हैं तो कंफर्म ही होगा। उस खजाने के पास एक छोटा सा पेड़ है, मेरी बात मानो तो। लेकिन उत्तरा के घर के अंदर कैसे जाना है और कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। ए, हम इधर आए हैं, किसी को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम होगी यार। क्या रे, हम उधर सीधा जा रहे हैं, किसी को कैसे पता चलेगा? तू एकदम पागल है। हे ब्रो, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में तुम लोगों ने? अबे क्या बोलते जा रहे हो तुम दोनों? हाँ यहाँ कोई नहीं आता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पागलों जैसी बात करा। चल। ए, मुझे भी यहाँ के बहुत डर लग रहा है यार, चलना यार घर चलते हैं। डर लग रहा है? एक काम कर, फिर घर चलते हैं। चल। ए, रुक रुक, सोना चाहिए यार। चाहिए ना? हाँ, तो अपना मुंह बंद रख। चल। ये कैसा खंडर है, इस वाहियात सी जगह को देख कर लोग डरते हैं। ऐसी बात मत कर यार, मुझे जोर से सूसू आ रही है।
हाँ यार मुझे डर लग रहा है, ये तो उत्तरा का घर है, ये सुन के ही मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ ये सही कह रहा है। चल बे अंदर चल। ए, मैं डर के मारे मर गया तो मेरी बॉडी को मेरे घर वालों को सही सलामत दे देना, नहीं तो गांव में इज्जत नहीं रहेगी। चुप कर प्लीज, सीधा चल। ए, पौधा देख। ए, तेरे दादा बिल्कुल सही कहते थे यार, इसमें तो एक भी पत्ता नहीं है। तो तेरे दादा के हिसाब से सोना इसी के नीचे होना चाहिए। अगर हमें सोना मिल गया ना, तेरे दादा के लिए सोने की खड़ाऊ बनवाऊंगा यार। एक काम करते हैं, अभी यहां से चलते हैं, बाद में आते हैं। चलो चलो। कहां गया था तू? मैं तो पास में ही गया था, पर आप कहां जा रहे हैं? रुद्रा जी ने बुलाया है, दो दिन से काम पर नहीं जा पाया था ना, आज जरूर लोड आया होगा। पापा मैं चला जाता हूँ, आप अंदर आराम कीजिए। तू वहां जाके क्या करेगा बेटा? अरे पापा मैं कर लूंगा, आप जाइए ना अंदर, प्लीज आराम कीजिए, जाइए। शाम तक ये लोड भेजना है, जल्दी करो, शाम तक हो जाएगा ना। फटाफट आ चलाओ, एक भी लकड़ी बचनी नहीं चाहिए, फटाफट फटाफट। हे अंदर आना, हे कर रहा है। बताता हूँ मैं इसे। बोला था सीरियस मैटर है पर तुम्हें सुनना नहीं है, नहीं चेंज होगे ना। और तू रात में मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? पी के सो गया था क्या? हाँ कब आने को बोला था, कब आ रहे हो? मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है, अगर इस तरह का खजाना किसी को मिलता है उसका क्या करना होता है, कहाँ बेचना होता है, सब पता है मुझे। अगर गलती की तो सबके सब पकड़े जाएंगे। इस सोने के पीछे कई लोग मरे हैं, पर हम लोगों को ये सब नहीं सोचना है, हमारा फोकस अलग है। पर ये बात सच है, सोना निकालना आसान नहीं है। उसे वहां से निकालने के लिए कम से कम चार लोग तो चाहिए ही, और साथ ही साथ लाइट्स भी चाहिए। हम चारों के अलावा वहां एक पुजारी भी चाहिए, लाइट चाहिए क्योंकि वो मंत्र पढ़ेगा, पूजा करना है, बलि भी चढ़ानी है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। पर मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर गांव में किसी को इस बात का पता चल गया तो हम सबकी एक साथ बैंड तो बजेगी, पुलिस को भी कंप्लेंट कर देंगे, उसके बाद जो पुलिस धुलाई करेगी उसका खर्चा भी हमें खुद उठाना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम लोगों को क्या लग रहा है? तुमने जैसा कहा वैसा होगा? जरूर होगा दोस्तों, वो अपना एमपीडीसी है ना श्रीनु, उसकी कल शादी है, पूरा गांव उसकी शादी में जाएगा। एक बात तो तय है, सब लोग खा कर पी कर एंजॉय करके सो जाएंगे, बिल्कुल सही टाइम है। उसी टाइम हम उसकी शादी में बम फोड़ के उसकी शादी में शोर मचा देंगे, सब टेंशन में आ जाएंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। यही मौका रहेगा, हम अपना पूरा काम कर लेंगे, क्या बोलते हो? फिर मुझे क्या करना है रे? क्या बोल रहा था? हाँ तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग पूरे गांव को उड़ाना चाहते हो? तुम लोग किसके पास जा रहे हो पता है? उसे कुछ हुआ तो क्या होगा पता है? पता है तुम्हें? बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम लोग उथारा के बारे में क्या जानते हो? अगर तुम लोग उसे छेड़ोगे तो पूरे गांव में सबको मार देगी। उसके बारे में क्या जानता है रे? उसके बारे में क्या पता है तुम्हें? माफ कर दो सर। सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ऐसा फिर से नहीं होगा, माफ कर दीजिए प्लीज। ए, 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 नहीं चल पीछे हट। तुम लोग ऐसा काम करने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ू? हाँ क्यों छोड़ू बता? अभी पुलिस को फोन करता हूँ, थाने में ले जाकर मारेंगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा। हमारी बात सुनिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हमें आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, छोटी सी गलती है, प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है जाकर कुछ और काम कर, और दोबारा फिर ऐसा करने की कोशिश की ना तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर तुम लोगों की हड्डियां तोड़वा दूंगा। हाँ, जा, ठीक है। जा। चल, चल, चल। तेरा कूफ कहेंगे। ओए, तू इधर आ। तू अपना दिमाग किसी और काम में लगा, ऐसे कामों में नहीं, इसमें बहुत खतरा है, बाहर लोग क्या बोलते हैं वो सब सुना नहीं, फालतू कामों में दिमाग मत चला, समझ में आया?
जा, जाके काम कर। अरे जा यहाँ से। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है स्वाति, फिर मेरी माँ आ जाएगी। जो भी करना है जल्दी करना, ठीक है? क्या हुआ, मुँह क्यों लटका है? वो छोड़ो, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या बोल रहे हो? पैसों का बोला था ना, इंतजाम कर रहा हूँ। इतना आसान थोड़ी है, टाइम तो लगेगा ही। मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, अगर आसानी से लोन मिल गया तो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। 6 महीने टाइम दिया था, याद है ना? हाँ याद है बाबा, इसलिए तो उस रुद्रा के यहाँ काम कर रहा हूँ, वरना उस टकले के पास कौन काम करेगा? वो तो कुत्ते को भी खाना नहीं देता, तुम्हें देगा? तुम भी क्या कर रहे हो? अरे खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करूँ ना, अच्छा काम मिलेगा तो छोड़ दूंगा। कैसे होगा ये सब सेटल? एक ही बात बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया है। कब होगा? अरे मुझे क्या पता कब होगा, हर चीज में टाइम लगता है। तुमने क्या सोचा, तुम बोलोगी और आसानी से हो जाएगा? स्वाति मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम जब बार बार बोलती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। चिल्ला रही हो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? अब ये प्यार की बात कहाँ से बीच में आ गई यार, समझाना बेकार है। पता नहीं तुझे क्यों लगता है मैं प्यार नहीं करता। हाँ दिखाई दे रहा है किससे ज्यादा प्यार करते हो। मेरी बात तो तुम कब सुनते हो, हमेशा ऐसे ही करते हो। नहीं सुनूंगा अब तुम्हारी, क्या मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा? क्या कर लोगी? मैं ये जॉब अपने पापा के लिए कर रहा हूँ, क्यों कर नहीं सकता क्या? मेरी फैमिली से जरूरी कुछ नहीं। फिर मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। ठीक है छोड़ो, मुझे तो सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया। तुझ पर यकीन किया मैंने, मेरी लाइफ मैं ही देखूंगी। हाँ जा, जब मर जाऊंगा ना तब पता चलेगा। अब सोच रही होगी मैं डरा रहा हूँ, दुनिया में बहुत लोग बिना प्यार के जीते हैं। ठीक है जी लूंगा। जो लव में होते हैं ना, वो लव का कौन सा मंत्र बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा। हाँ, she is beautiful, she is my love, क्या रे नागी, यही सब बोलते हैं ना। अब वो मंत्र बोलो ना, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो ना। अरे ओ पागल, तेरी तो आखिर तो मुझसे चाहता क्या है, क्यों परेशान कर रहा है? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ फैमिली, दोनों के दोनों मुझसे ही सब कुछ चाहते हैं। जो कर सकता हूँ वो कर तो रहा हूँ। अच्छा तो इतना झूठ बोली क्या? वो तो बहुत झूठी है। अबे तेरी तो मारना मत, कल मैं मंदिर जा रहा हूँ, फिर तुमको ही श्राप लगेगा, बोलना मत। हाँ अबे दोस्त होके मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहा है। पता है मेरे जैसा अच्छा लड़का उस लड़की को मिलेगा नहीं, बता रहा हूँ कितना प्यार करता हूँ उससे, चिराग लेके ढूंढेगा। अरे रो कर हमारी इज्जत क्यों निकाल रहे हो, रुको रुको। औरत के हाथों से हारना ये कोई नई बात नहीं है, रोना बंद करो यार, अब चुप भी हो जाओ। चुप करो भाई, ऐसे मत रो भाई। चुप करो यार, बड़े आए बताने वाले, तेरा ये चलता ही रहेगा और वो किसी के साथ भाग जाएगी। चल इधर से, श्रीनु की शादी में मस्त डीजे बज रहा है, दारू वारू और डांस करके सब गम भूल जाना। चल यार, चल चलना, चल चल। अबे कौवे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया?
मैं कहाँ हूँ? कहाँ गया? माँ, ए माँ, 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 यहाँ क्या कर रही है? किससे मिलने आई है? बोल ना। सुबह सुबह ज्यादा एटीट्यूड मत दे। सॉरी बोलो। सॉरी किसको बोलूं? कहा ना सॉरी बोलो। हाँ ठीक है, तुमसे ही बोलना है ना। सॉरी सॉरी बोलो। अरे यार देखो वैसे भी धूप बहुत ज्यादा है, मेरा दिमाग गर्म मत करो। बोल दिया ना सॉरी, अब निकल। फील करके बोलो। हाँ ठीक है, फील करके सुना। आई एम वेरी 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 सॉरी। ये ठीक नहीं है। ओके आई एम वेरी 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 सॉरी स्वाति जी। अब निकलो। छी, तुम नहीं सुधरोगे, ऐसे ही मरो। अरे स्वाति स्वाति सुन ना, सुन सुन, बाहर जोर से बोला तो कोई सुन लेगा, अंदर चलो ना, अंदर बोलता हूँ सॉरी। अंदर आने के बाद बोलोगे? हाँ। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ कि अंदर जाके सॉरी बोलोगे मनाने के लिए? अंदर क्या होगा मुझे अच्छे से पता है, समझे? इसलिए जाने दो। क्या यार स्वाति, सुबह सुबह झगड़ा कर रही हो, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ मैं तुमसे एक बार क्या जिंदगी भर सॉरी बोल सकता हूं, इतना प्यार करता हूं तुमसे, अपनी जान भी दे सकता हूं। क्या रे अशोक, मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं इसीलिए घर में ये सब कर रहे हो? हाँ ऐसा कुछ नहीं दीदी, वो तो बस मेरे कपड़े धोने आई थी और कुछ नहीं। कपड़े धोने आई थी या उतारने? आंटी को आने दे, बताती हूँ। ओए फिर से मैं तुम्हारे पास आई हूँ ये सोचकर एक्साइट मत होना। तुमको सेटल होने के लिए टाइम दिया है, याद है ना? ऑलरेडी उसमें 4 दिन हो गए हैं, वो काम करो अब। ए जानेमान, तुमको नहीं बोला, होने वाली बीवी को बोला है। कम से कम ये 50 किलो जरूर होगा। अगर 30 लाख रुपए केजी भी हुआ तो 30 × 50 कितना हुआ? हे भगवान, 15 करोड़। इसके बारे में सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। अब मैं इस 15 करोड़ को 30 करूंगा, फिर 30 को 60, फिर देखना इस गांव के आसपास भी कोई मेरे जैसा अमीर नहीं होगा, सब मेरी ही बात सुनेंगे। फिर जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ, जो दिल में आएगा वो कर सकता हूँ। बंद कर देता हूँ। जय हो। ओहो, आए हाय, क्या हुआ, इतना खुश लग रहे हो, मुझे भी बता दो, मैं भी डांस करूंगी तुम्हारे साथ। अगर जान जाओगी तो तुम सच में डांस करोगी, खुशी से पागल हो जाओगी। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, 4 दिन के बाद बताऊंगा, तब तुम डांस करना। अभी जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाऊंगी मैं, लेकिन वो अशोक आया, तुम जाकर उससे बात करो। वो अशोक यहाँ क्यों आया है, फैक्ट्री नहीं गया क्या? सुनो उसको जाकर बोलो कि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम है, वो वहाँ चला जाए। जाकर बोलो। अब औरतों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इनके पेट में बात नहीं पसती, अगर इसे पता चल गया तो ये खुशी में आकर पूरे गांव वालों को बता देगी, इसे कहीं और ले जाकर छुपाना होगा। ए आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, चल चल चल, पीछे मेरी बैटिंग है, चल चल चल, मेरी बैटिंग है। ए छोड़, सारे बच्चे अपनी जगह पे। हाँ ए जाके फील्डिंग करो, चिल्ला क्यों रहे हो, बैटिंग बैटिंग कर रहे हो। लागू इधर गई तो 2 रन, उधर गई तो 4 रन, अब तुम लोग देखना कैसे मैं छक्के पे छक्का मारता हूँ। ए सुन, एक ही बढ़िया बॉल फेंक के से आउट कर दे, ठीक है? रेडी है? अरे ना, रेडी।
क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी तू इन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है? तुम्हें उससे मतलब क्या? तुम्हें क्या चाहिए? दुकान पे जाना है, थोड़ा जल्दी घर आ जाना। वो लाओ ये लाओ, और कुछ काम नहीं है क्या तुमको? हाँ, तू बैट से मारूंगा, चलो घर चलो जाओ। खाने के लिए घर आएगा ना तब बताऊंगी मैं तुझे। उसको छोड़ो, तुम लोग बॉल डालो रे। अरे सुनना, तेरे लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। क्या रे, मेरी दादी तो अभी गई है, इतनी जल्दी मर गई? तेरी तो पागल कहीं का कुछ भी बोलता है। तेरी लवर मोनिका बाहर से आ गई है। मोनिका आई है क्या? ए तुम लोग खेलो रे, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, लौंडा शर्मा आ गया है। क्या मोनिका, सब ठीक है ना? तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ क्या? ये क्या बोल रही हो तुम मोनिका, तुम तो मेरे दिल में हो और हमेशा रहोगी, और दिल से निकाल भी नहीं सकता। वो क्यों? तुम बहुत खूबसूरत हो और हैदराबाद में रहती हो, तो किसी से प्यार करती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम इससे पहले कोई देख ले मेरा नंबर ले लो। एक मिनट बोलो। 9908। हाँ सेठ, दो दिन में माल का एक ऑर्डर रखाएगा। हाँ सेठ, मैं बात कर लूंगा। हाँ ठीक है, ओके। तुम्हारे एग्जाम्स है ना, ठीक से पढ़ाई कर रहे हो ना तुम? झूठ मत बोलना, मुझे से पढ़ाई कर मोनिका, रहा हूं मैं। एक मिनट इधर आओ ना प्लीज, अर्जेंट मैटर है। एक मिनट इधर आओ ना। तुम जाओ। ओके दीदी। एक बार इधर तो आओ प्लीज, दरअसल तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बोलो। रात को अर्जुन रेड्डी मूवी देखा था। फिर? उसमें 7-8 है। अभी मेरे फ्रेंड ने RX100 सिनेमा दिखाया था, उसमें भी 5-6 हैं। क्या है वो? वही किसिंग सीन्स। देखो नागी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो लवर है ना, इसमें गलत क्या है? एक तो किस दे सकती हो ना? प्लीज, मैं जा रही हूँ। जाओ, जाके उन बड़े लोगों से बातें करो। इस उम्र में उन लोगों से दोस्ती क्यों? हम जैसे जवानों के साथ दोस्ती करनी चाहिए ना। स्वाति से दोस्ती करो। मैं किसी स्वाति को नहीं जानती हूँ। उसके साथ दोस्ती करना है, समझी पागल? हाय स्वाति, बाय स्वाति, खाना खाया क्या स्वाति, सोई क्या स्वाति, ऐसी बातें करनी है? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? क्या कर रहे हो भाई? वो तुझे और कोई काम नहीं है क्या बे? कोई भी लड़की देखी नहीं कि चालू हो गया हैं? और अपना मुंह लेके इधर क्यों आ जाता है? और कोई मोहल्ला तुझे नहीं दिखता है क्या? फालतू काम के लिए यही जगह मिली है। अर्जुन रेड्डी देखा है क्या? RX100 देखा है क्या? ए XXX मूवी तो देखी होगी ना, आखिर तू उसके साथ करना क्या चाहता था, बता ना बे। माफ कर दो भाई प्लीज, छोड़ दो भाई प्लीज, माफ कर। शादी करके अपनी बीवी के साथ जो करना हो कर, समझा ना, लेकिन किसी और की जिंदगी खराब मत कर मेरे भाई। सुनो, एक बार फिर से अगर इस गांव में दिखाना तो चप्पल से मारना, चप्पल से मारना। जाने तो बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। क्या हुआ, क्यों नींद से उठा रही हो? क्या हुआ तुमको? क्या दिखा रही हो मुझे? अरे अरे, क्या हुआ तुमको? मार क्यों रही हो? अरे क्या हुआ बताओ सही। अरे ऐसे क्यों मार रही हो? अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे अरे क्या हो गया इसे? अरे अरे बाप रे, अरे हे भगवान, अरे कोई बचाओ। अरे अरे मार डालोगे क्या? अरे बाप रे, हे भगवान बचाओ। क्या हो गया इसे? ये अचानक ऐसे क्यों कर रही है? इधर क्यों सो रहे हो? क्या हुआ? उठो उठो ना। क्या हुआ, बुखार आया है क्या आपको? जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे हाँ सुनो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ था इसे? रात में इसने बुरी तरह मेरी धुलाई की और अब चाय बनाने गई। हम्म।
ऐसे क्यों आवाज कर रही हो? मैंने नहीं किया। हाँ? मैं सच कह रही हूँ। तुम ही कर रही थी ना? तुमने नहीं किया। अब जाके काम करो। फिर से भाग गई। ये क्या कर रही हो? छिपकली है मालिक, छिपकली। ए, पागल हाँ? हो गई हो क्या? झूठ मूठ का नाटक कर रही हो? जाओ जाओ यहाँ से। आखिर इन औरतों को हो क्या गया है? भूत चढ़ गया क्या इन पर? हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? चल जाओ यहाँ से। स्वाति प्लीज रोना बंद करें यार। स्वाति देख, अगर तू रोना बंद नहीं करेगी तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। दूर हटो, तुमको कितनी बार बोलने से भी तुम नहीं सुनोगे ना। मैं क्या सपने देख रही हूँ? मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? क्या एंगेजमेंट? इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? इसके बाद शादी हो जाएगी। और अगर शादी हो गई ना तो तुम मेरी मौत देखोगे। ऐसी बात मत कर स्वाति। तुझे लग रहा होगा मैं नॉर्मल हूँ, पर अंदर से मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मर्द हूँ ना, इसलिए तुम्हारी तरह रो नहीं सकता। तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं, पर तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या करने के लिए सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, वो मैं देख लूंगा। स्वाति की शादी किससे हो रही है मुझे पता है, मैं उससे बात करूंगा। फिर भी वो नहीं सुनती है तो उसका क्या करना है मुझे पता है। तू चल यहाँ से। नहीं समझे ना तो ये लोग हमारे मोहल्ले की लड़कियों को छोड़ेंगे नहीं भाई। हाँ, हमें कुछ देखना ये राजू भाई के साथ आ रहा है। नहीं, उसे जाके कुछ नहीं होगा। अगली बार एक बार बात करके देखेंगे। अरे क्या बात है, सब लोग एक साथ मिल के आए हो? मुझे एक काम था इसलिए यहाँ आया था। तुम लोग यहाँ कैसे? अरे हमारे गाँव में एक कबड्डी का कॉम्पिटिशन है, ये कबड्डी प्लेयर है ना, इसलिए इसे बुलाने आया हुआ था। अपने गांव में कबड्डी होगी क्या? तू क्या चाहता ना हो क्या? खाना भी रहेगा क्या? अरे भिखारी हर वक्त खाने के बारे में सोचता है। अरे वो खेलने वालों के लिए व्यवस्था होगी, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। फालतू में घूमते हो, कोई टीम बना के तुम भी क्यों नहीं खेलते? ये लोग कबड्डी के बारे में जानते ही क्या है, इनको क्या पता स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। कबड्डी कोई टाइम पास नहीं है, रात रात भर दारू पीते हैं ये लोग। पैशन चाहिए उसके लिए। तुझे कबड्डी खेलना या नहीं खेलना तू डिसाइड कर, फालतू बातें मत कर। यहाँ पर हम तेरी बकवास सुनने नहीं आए, मेरा दिमाग मत खराब कर। चल अबे चल, बहुत आया तू गुस्सा दिखाने वाला। अरे छोड़ो ना इनकी बातें, एक नंबर के आवारा हैं ये लोग। गुस्सा सभी को आता है, और जरूरी नहीं जिसे गुस्सा है वही मर दो। देख मैं यहाँ एक जरूरी काम करने आया था, पर तेरी मनोज शक्ल देखने के बाद भूल गया। मन कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं। युद्ध करने का इतना ही मन है तो आ करते हैं दो दो हाथ। देख मैं युद्ध करूं या ना करूं पर तुझे जरूर मारूंगा। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है टेढ़ पसली? अरे क्यों बात को फालतू में सीरियस बना रहे हो, चलो जाओ। मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ, बस ये कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। अरे जा जा जा, तू जा, चल निकल। अब तो मैच में ही देखेंगे। तुझमें तो बहुत ईगो है रे। तू वहाँ बात करने के लिए गया था, फिर झगड़ा क्यों कर लिया रे?
क्या ये बहुत महान है तू। क्या जीता होगा रे, इसका मुंह देखने से पता चल रहा है ये हार गया होगा। हे शेखर, शेखर, हे शेखर उठ। हे, हे, इसे क्या पिलाया, उठ क्यों नहीं रहा है, मरवर तो नहीं गया ये? ये ऐसा कुछ नहीं है, देख अभी उठेगा, बस तुम लोग एक सेकंड रुको। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, रुको छोड़। मैं ये सोच रहा हूँ मैं स्वाति के लिए क्या कर सकता हूँ, ये बीच में आके मुझे चैलेंज करता है। रुकना, क्या कर रहा है तू, रुक जा यार, क्या कर रहा है तू? देखो उठ गया, बात करो। बैठा रहा है तू, बंधा हुआ है, कोई फायदा नहीं। ए, मुझे कहाँ लेके आए हो तुम? गोवा लेके आए, जा बीच में नहा ले, ऊपर से बारिश भी हो रही है, जरा बियर लेके आ, चिल्ड वाली तेरी तो। अबे कॉमन सेंस नहीं, हाथ और पैर बंधे हैं तो किडनैप ही हुआ होगा ना। ये क्या मजाक लगा रखा है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। इस आदमी की बुद्धि नहीं, बैल बुद्धि है। अबे थोड़ा तो लॉजिक लगा, अबे हम चार लोग हैं, तू अकेला क्या उखाड़ लेगा, सिर्फ पिटेगा, समझा, आगे नीचे कर। अच्छा मेरे गेम से डर गए तुम लोग, इसलिए किडनैप किया ना? तू तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना, तेरे से डर गए हम। अगर इसके साथ खेल के जीत गए तो कहीं हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना मिल जाए। हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या हा? अरे स्वाति मुझसे प्यार करती, मैं उससे प्यार करता हूँ, कबाब में हड्डी की तरह कबड्डी ला रहा है। तुम्हारी जैसी मनहूस शक्ल वाले लोगों की वजह से प्यार करने वाले मिल नहीं पाते। ए, तू रुक रे, ऐसे छोटे बच्चों की कहानी की तरह उसे समझाओगे तो क्या समझ में आएगा, जल्दी जल्दी सिनेमा के जैसे बोलना है। अरे नागू, घर में मोटी लाठी है क्या, जल्दी से लेकर यहाँ पर आ। कितना बड़ा ना या इतना? हाँ इतनी बड़ी लाठी इसके लिए बहुत होगी। ठीक है, तेरी तो, तेरी तो, हट, हट। क्या रे, इतना मार खाने के बाद भी इसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा। हे, मैं तोड़ तोड़ के डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को भी आने दो, स्वाति की शादी तो इसी के साथ होगी, अगर उसके बाद भी उसकी शादी हो गई तो सुहागरात यही मनाएगा, तेरी इज्जत पूरी चली जाएगी, समझ में आया क्या? इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधा अपने घर को जा, जैसा मैंने कहा अगर वैसा नहीं किया तो याद है ना वो लाठी, बहुत पिटेगा तू, याद रखियो। हाँ ले भाई, खोल दिया, चल पैर का खोल ले। ठीक है। ए, कैसे लोग हो यार तुम लोग, 9:30 बजे गेम शुरू होने वाला है, पहले ही 1 घंटा लेट हो चुके हैं, यहाँ क्या कर रहे हो यार, फालतू में तुम लोग लेट कर रहे हो। देखो इसे कैसा ड्रेस पहना हुआ है, और खुद को देखो, चलना नहीं है क्या तुम लोगों को? अरे भाई क्या हुआ इनके साथ? अरे बाप रे, ये बात पहले पूछनी चाहिए थी, तेरे जैसा बेवकूफ दोस्त, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके यहाँ पे रखा हुआ था, इडियट कहीं का। अरे उसने जो बोला वो सच है क्या, तुम लोगों ने किडनैप किया है क्या? बाल कटवा क्यों नहीं लेता? अरे बताओ ना क्या हुआ, तुम सब लोग मिले हुए हो क्या? मतलब तुम सब लोगों ने मिलके ये किया क्या? करना पड़ा भाई। जिंदगी को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है? उसने कल फोन किया था, शादी के लिए मना कर दिया, कल उसने उन लोगों को धमकी दी थी। एक बात याद रख लो तुम, हाँ अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो, बोलो। मैं उसी से शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी, और आपके हिसाब से काम ढूंढ रहा है वो। और कितने दिन के बाद? वो सुनो, दशहरे तक वेट करता हूँ, फिर ना मैं तुम्हारी सुनूंगा ना किसी और की सुनने वाला हूँ, समझ गई ना? यार एक छोटा सा कंफ्यूजन है, तेरे बाप ने तुझे मारा या तूने अपने बाप को चाटा मारा? ये लो कॉफी। ओए होए कितनी खूबसूरत हो। कॉफी लो ना। कैसी है कॉफी? तेरे जैसी। मर जा तू, मारने के लिए ही इसमें जहर मिलाया है, मर जा तू, तू मर जा, मैंने ही इसमें जहर मिलाया है, मर जा तू, मर जा तू, मारने के लिए जहर मिलाया था, मर जा तू। Oh.
आखिर तुम लोग उथारा के बारे में क्या जानते हो? अगर तुम लोग उसे छेड़ोगे तो पूरे गांव में सबको मार देगी। स्वामी। हाँ। मैं रुद्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या बोलूँ स्वामी, 10 दिनों से घर में कुछ अजीब सी बातें हो रही है। लगता है घर में कोई भूत घुस आया है। क्या करूँ समझ नहीं पा रहा। कब आएंगे स्वामी? मैं बाहर हूँ, आने में मुझे 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा ठीक है स्वामी। हे भगवान, हे देव, अरे कहाँ हो तुम? एक काम के लिए बाहर आया हूँ जीजाजी। अरे भाई, यहाँ बहुत परेशानी हो गई है, तू जल्दी से आ जा, तुझसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। हाँ ठीक है। सेठ जी, क्या सेठ जी आप यहाँ सो रहे हो? मालकिन पूरे घर में ढूंढ रही है आपको। अरे हट। किधर जा रहे हो सेठ जी? अरे क्या हो गया? अरे क्यों मार रही हो? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे अरे पागल हो गई हो क्या? अरे 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 हटो। कहाँ गए थे आप दो? कहाँ गए थे? तो क्या मैं 2 दिनों से यहाँ नहीं था? क्या हुआ है आपको? अब कुछ जरूरी काम से गया था। क्या ऐसे ही गए थे आप? ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही चला गया। एक बार खुद को देख लो, पता चलेगा। चलो आके नहा लो। नहीं नहाऊंगा, मुझे एक और काम याद आ गया। परशुराम। हाँ हाँ साहब, आ गया। क्या हुआ साहब? तुम एक काम करो। हाँ। जाकर सबको लेकर आओ। ठीक है ठीक है। ए, ए, मर्दों को, औरतों को नहीं, समझे? हाँ समझ गया। जा जा, जल्दी जा। भाई भाई भाई, कैसे हो जीजा जी? हाँ? अरे देव, आ गया तू। क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ? क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सब ठीक है ना जीजा जी? और कुछ चाहिए क्या? दीदी से कुछ मंगवाना है क्या? ए, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको मत बुलाना। यहाँ जो कुछ भी हो उसी से काम चला ले। अरे जीजा जी, दीदी का नाम सुनते ही इतना डर क्यों रहे हो? अरे देव, बोलो। 1 हफ्ते से घर में कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही है। लगता है तेरी दीदी को किसी भूत ने पकड़ लिया। चुप करो जीजा जी, आजकल भूत किधर होते? पागल हो गए क्या आप? अरे बेवकूफ, मैं अपनी परेशानी तुझे कैसे बताऊं?
अरे मेरी हालत तो देख, उसने मेरी ऐसी धुलाई की जैसे कपड़े धोते। देव तेरी दीदी मुझे कैसे टॉर्चर कर रही है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे थोड़ा पियो ना। नहीं, विश्वास कर, तेरी दीदी के ऊपर किसी भूत का साया है। फिर से वही बात कर रहे हो, ये पी लो, ये थोड़ा पी लो जीजा जी। जीजा जी सब ठीक हो जाएगा, आप आराम से पियो ना, लो। तूने ये आवाज सुनी? वो आवाज मुझे भी सुनाई दी। मैं हूं ना जीजा जी, मैं हूं ना। आप पी लो, आप पी लो, आप आराम से पियो। अरे आप आराम से पियो, मैं आता हूँ। ये तो यहां आकर सो गया हा? अरे देव, हे देव, इसकी तो फुल पी के ये यहां आके लुढ़क गया। ए देव, देव, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से ही इसकी मौत हो गई। अब मैं क्या करूं, अगर मेरी बीवी को पता चल गया, हे भगवान, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, जहर देके वो मुझे मार डालेगी। सोना कहाँ चला गया? उथरा लेके चली गई क्या? जिसके पास सिर्फ ताकत होती है वो 99 लोगों को मार के सिर्फ एक आदमी को डराता है, पर जो दिमाग से ताकतवर होता है वो एक को मारता है पर डराता 100 को। पुत्रा के घर में खजाना पता चलने के बाद उसको वहाँ से निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी परेशानी वही थी, इसलिए हमने एक आदमी को चुना जो ये काम करेगा, और वो था रुद्रा। हमने जानबूझकर अपना प्लान रुद्रा को सुनाया। मेरा प्लान सुनने के बाद रुद्रा ने वहाँ से सोना निकाल लिया। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ, उसे भूत से डरा कर उसके घर से सोना चुरा लिया।
ये ट्विस्ट सुपर्ब है, ये है हीरो का कमाल। और तू वेस्ट फेलो हमेशा बेकार के आइडियाज देता रहता है, ऐसा आइडिया कभी बताया क्या तूने? हाँ तेरे जैसे लोगों के रहने से ऐसे ही आइडिया आएंगे ना, और क्या आएगा? ऐसे बेकार की बातें ही बोलते रहो। मतलब तूने अपने गांव के सबसे शातिर रुद्रा को बेवकूफ बना डाला। शाबाश भाई। बोल रहे। बोल, बोल। बता किसने चोरी की? बता। बता। नहीं पता। नहीं पता। मुझे नहीं पता है तुझे। सच कह रहा हूँ। क्या बता दे? किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मोनिका वो तुमको बैंड दिया था ना? कौन सा बैंड? तुमको ही दिया था ना उस रात को, भूल गई क्या? मुझे कब दिया? सोना लेके आई थी ना उस दिन। सोना लेके मैं कब आई? फिर मेरे साथ कौन था? मुझे क्या पता। तुम नहीं हो क्या भाई? कौन हो तुम? तो तुम्हारे इस ड्रामा में उत्तरा भी शामिल थी क्या? अरे यार मुझे भी देना थोड़ा। ए रुक बे, तू बच्चा है, तुझे नहीं पीना चाहिए। मतलब सोना देवराज के पास था इसलिए वो मर गया, लेकिन अब तो सोना तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या होगा? क्या हुआ होगा? वो भूतनी इनके पीछे आई होगी, इसीलिए मैं ऐसा आइडिया नहीं देता हूँ, समझ गया क्या तू? ऐसे पागलों की तरह बातें मत करो, उत्तरा सोने के लिए आई होगी। काम करना, तू ही आइडिया बता। सकता है ना? अरे उत्तरा सोने के लिए नहीं आई है। क्या 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 कहा? हाँ बोलना अब। अरे बाप रे यार, थोड़ा मुझे भी दे दे। बोलना, बोल 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 बोल। I love you. इस दुनिया में मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। तुम मेरे लिए बनी हो, सिर्फ मेरे लिए। उत्तरा, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, कितने दिन तक दुख मनाओगी? जाओ सो जाओ बेटी, मैं भी घर जा रहा हूँ। Ah!
ऐसा फिर नहीं करेंगे सिद्ध जी, माफ कर दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे घर में आके चोरी करोगे? इतनी हिम्मत आई कहाँ से? बोल, बोल सोना कहाँ है मेरा? बोल, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। बोल सोना कहाँ है? बोल कहाँ छुपा कर रखा है? बोल, बोल। जब तक मेरा सोना नहीं मिलेगा मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल कहाँ है? बोल। इतनी हिम्मत? हाँ डालूंगा। अब उत्तरा ने देवराज को मारा ये तुम्हें और हमें पता है, लेकिन उस रुद्रा ने तुम पे मर्डर का केस डाला हुआ है, अब कैसे बाहर निकलोगे? मेरा मतलब है तुम प्रूफ कैसे करोगे? बेवकूफ, मेरे साथ साथ कहानी तू भी सुन रहा है ना, तो तुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है? सब कुछ मैं ही पूछूं? बेवकूफ पूछ। ठीक है, तुम बाहर कैसे जाओगे? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तुम लोगों को हेल्प करनी होगी। ये तो नहीं होगा। देखो इसका प्लान, कहानी सुनाने के लिए क्या बोला, सारा के समारे ऊपर डाल देगा। ये सब नहीं होगा भाई, चोरी भी हम ढंग से नहीं कर पाते यार, हमसे ये होगा क्या? बस इतना सही, चुटकी चुटकी में कर देंगे ये सब। क्या बोला वो? ए सुन रे, बताता हूँ। हेलो ब्रो, यहाँ पे यहाँ पे। तुम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या जो लिख रहे हो? कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए तैयार हो रहा होगा। क्या रे फिर से बकवास? अरे रिकमेंडेशन में ही काम कर रहे हो ना, इससे अच्छा हमारे साथ मिलके चोरी कर लो। ए फालतू की बातें मत करो। क्या अच्छा, कर लेगा? तो क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा बताता हूँ। अच्छा तुम्हारी, बाप रे, हड्डी पसली एक कर दूंगा तब समझ में आएगा। हेलो, बाहर रह के फालतू में हुल क्या दे रहा है बे? दम है तो अंदर आना। आजा आजा, मैं अंदर आऊं। आना मैं अंदर आऊं, अभी आता हूं अंदर। आइंदा बकवास की तो जेल नहीं हॉस्पिटल में मिलोगे, समझे? ए चाय लेके आ भाई। फोन क्या यार, पिछवाड़े पे बहुत जोरों का मारा, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ अशोक बोल। पांच मिनट में बाहर आ जाऊंगा। फिर हम लोग? फिर तुम दोनों भी यहां से निकल जाना। अरे यार, थैंक्स भाई, थैंक्स भाई। डरिए मत सेठ जी, उस एसआई को फोन करके ना अशोक को बाहर निकालने के लिए बोलिए। उसे मारना नहीं, छोड़ दो उसे। ए बाहर आओ, चलो निकलो। भूल गया क्या? मुझे मुझे उल्लू बनाएगा तू? ओए, मैं रुद्रा हूं, पूरा गांव मेरे इशारे पर नाचता है, और तू मेरे साथ गेम खेलेगा? ओए, इस राज्य को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम सबका नसीब मेरे पैरों के नीचे है। ओए, मैं नाचने को बोलूं तो नाचना है, मैं मरने को बोलूं तो मरना है। तूने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज कहीं के। ए,
आगे बढ़े तो सकले की गर्दन तोड़ दूंगा। अब सुन, जो बोल रहा हूँ कान खोल कर सुन, झगड़ा बंद कर, तेरे फायदे की बात है, समझा? गांव वालों को पता चला ना कि तू मुझसे पिट के आया है तो तेरी इज्जत तो वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी औकात क्या है बे? मैंने जो भी किया था उसके लिए तूने मुझे अभी मारा। मैंने तुझसे मार इसलिए खाई क्योंकि मैंने मार खाने लायक काम किया था, पर अब हिसाब बराबर। मैंने तुझे उल्लू बनाया इसलिए तू मुझे धोखेबाज बोल रहा है ना? हाँ, तो तू क्या है जो तू गांव वालों के साथ करता है? ब्याज बढ़ाकर उनकी जमीन हड़पता है, तू धोखेबाज नहीं है क्या? उन बिचारों की जमीन तूने छीन ली, क्या वो धोखा नहीं है? मेरे हाथ से मेरे साले की मौत हो गई, ऐसा करवा कर तूने मुझे ब्लैकमेल किया ना, उसका क्या? चुप कर, तेरे साले को तूने नहीं मारा है, तू कुछ नहीं जानता। मैंने मारा है तेरे साले को। तूने पुलिस वाले को तो पहले ही भेज दिया, अब किसे देख रहा है? मतलब देव को तूने मारा और उसके लिए मुझे फंसाया? देवराज को तूने क्यों मारा रे? क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो साइको था। उसने सिर्फ पाप नहीं किए थे, घोर पाप किए थे। उसे तो बहुत पहले मार देना चाहिए था। एक बात बता, अगर तेरी बेटी को उसने रेप करके मार दिया होता तो तू क्या करता? जंगल के बीच किसी ने तेरी बेटी को वहां ले जाकर उसका जानवरों की तरह रेप किया होता तो तू क्या करता? तू जी पाता क्या? इसीलिए उस राक्षस को मारा, इसीलिए उसे मारने का मुझे कोई दुख नहीं है, समझा? देख, मेरी और तेरी डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है रुद्रा, पर अगर तूने ज्यादा दिमाग लगा के मुझे परेशान किया तो इस बार मैं ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि तू गया। अरे अशोक, ऐ देख, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। सोना मैं लेकर आया था ना, तो उसमें से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। तो साफ साफ बोल, तुझे वहां से पाए हुए सोने में पार्टनरशिप चाहिए? उस सोने में से फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, वो गांव का है, गांव की भलाई में ही खर्च होगा। अब मेरी बात सुन, एक नई जिंदगी शुरू कर। गोपी। राधा। गोपी। राधा। गोपी। इंसान के पास तो दिल ही नहीं होना चाहिए गोपी। प्यार करने वाले तभी एक साथ होते हैं जब उनकी किस्मत उनके साथ हो। ये दुनिया तो हमारे पवित्र प्रेम को नहीं समझेगी गोपी। इसीलिए हम लोग मौत से मिलकर अपने प्यार को अमर कर देंगे। हमारे प्यार की सब कसमें खाएंगे राधा। हाँ गोपी, हम दिखा देंगे। तो डार्लिंग, पास में ही एक कुआं है, चलो चल के वहां कूद जाते हैं। कूदने के लिए एक बार बोल कर तो देखो गोपी, तुम्हारे लिए कूद भी जाऊंगी राधा।
गोपी। राधा गोपी, अगर मरना ही है कहीं और जाओ, यहाँ क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? कटेट सर, कैमरा को अगर हम लो एंगल से रखकर टॉप एंगल की तरफ देखें तो सही होगा। अबे पागल, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अरे सर, कहाँ से आ रहे तू? सर मणिपुर से। यहाँ कब से? सर 2 दिन से। कितनी फिल्मों में काम किया है? भाई तुम जरा उठो। सर सॉरी सर, तू इधर बैठ, गलती हो गई। चल तू डायरेक्ट कर, वो डायरेक्ट कर रहा है ना। सॉरी सर। तू करेगा क्या? चल पीछे जा, तू अभी नया नया है ना, तो यहाँ पे रह के तुझे काम अच्छे से सीखना होगा। बात समझ रहा है ना? अगर ऐसे करेगा तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। हाँ जी।